हेलो गाइस, टेक्निकल नॉलेज में आपका स्वागत है। गाइस, आज की जो अपडेट है उत्तर प्रदेश जल निगम की तरफ से। गाइस, उत्तर प्रदेश जल निगम में श्री आनंद कुमार मौर्य जी के द्वारा आरटीआई लगाई गई थी। तो गाइस, उस आरटीआई में काफ़ी सारे उन्होंने क्वेश्चन पूछे, तो गाइस उसका रिप्लाई आ चुका है। तो चलिए गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ उन्होंने क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे और क्या रिप्लाई आया हुआ है, इससे आपको क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं विषय सूचना का अधिकार, इन्होंने जो आरटीआई लगाई हुई थी 16/7/2022 को लगाई थी, और जो उनका रिप्लाई आया है 22/7/2022 यानी कि 22/2022 के माध्यम से प्राप्त हुआ है। और गाइस, इन्होंने कुछ बिंदु पूछे थे, तो गाइस उनके जो क्वेश्चन इसमें नहीं दिखा गए, उन्होंने आंसर भेजे हुए हैं। तो उन्होंने जो पहला क्वेश्चन पूछा था कि उत्तर प्रदेश जल निगम नगरी में जूनियर इंजीनियर सिविल के कितने पद रिक्त हैं। तो गाइस बहुत ही अच्छी खबर आ रही है, आपकी जो सिविल की जो वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर के 611 पद रिक्त हैं। गाइस ये पद रिक्त हैं, तो सीधी सी बात है कि कभी ना कभी आपकी भरी जाएगी। अभी कब भरी जाएगी ये भी आपको वीडियो में बताता हूँ। अब बात होती है बिंदु संख्या दो की, पॉइंट नंबर दो में, कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश जल निगम में जूनियर इंजीनियर सिविल कितने पद मतलब वो कार्यरत हैं। तो 462 लोग यानी कि 462 लोग काम कर रहे हैं और 611 पद रिक्त हैं, यानी कि जितने काम कर रहे हैं उससे भी अधिक उनके पद रिक्त हैं। उसके बाद बिंदु संख्या तीन की बात करते थे, उत्तर प्रदेश जल निगम में आउटसोर्सिंग, जैसे कि अभी आपका उत्तर प्रदेश आवास विकास में वैकेंसी आई हुई है आउटसोर्सिंग के द्वारा, क्या जल निगम में भी आउटसोर्सिंग के द्वारा भरी गई थी। तो इन्होंने कहा है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से कोई भी जूनियर इंजीनियर सिविल कार्यरत नहीं है, यानी कि इसमें कोई भी पोस्ट आउटसोर्स के द्वारा नहीं निकाली गई थी। अब बात आती है बिंदु संख्या चार, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिंदु संख्या चार में कह रहे हैं कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा UP SSC JEE यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग को जूनियर इंजीनियर सिविल की भर्ती हेतु कोई भी अधियाचन प्रेषित नहीं की गई। उन्होंने पूछा था कि UP SSC JEE के थ्रू जो जल निगम में आती हैं तो क्या वो वैकेंसी आने वाली हैं। तो गाइस इसमें बता दिया कि कोई भी अधियाचन प्रेषित नहीं की गई, इसका मतलब समझ सकते हैं कि 2022 में आपकी UP SSC JEE के थ्रू जल निगम की वैकेंसी नहीं आने वाली है। तो गाइस एक छोटी सी अपडेट देनी थी, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।